कि ये जिहड़ी इट है इनवेट बनाने तो पहलों जिहड़ी मिट्टी है उन्हूं प्रॉपर पाउडर किया जाता है, कोई उहदे च पत्थर वगैरह जां कोई रोड़ी वगैरह नहीं रहन दित्ती जांदी, कोई घा वगैरह बिल्कुल मिट्टी नूं प्योर करके साफ करके तां इहदी इट जिहड़ी है फिर बनाई जाती है। पुरानी इटा जी लेबर बनाती सी हो सकता बनाने वाले 10-20-50 आदमी होन, हर एक का जोड़ा साइज़ है वह बराबर इक्वल नहीं सी आता, कोई लेबर वाला मिट्टी घट पा दिता सी, कोई ज़्यादा पा दिता सी संचे च। ये मकैनिज़म है मिट्टी जी ऑटोमैटिक जाती है, ऑटोमैटिक जी है इट बनती है, ऑटोमैटिक वो कटिंग होंगी है। इस करके उस इट का तो इस इट का सब तो व्डा डिफरेंस यही है कि अगर तुम जिनी भी इट लाओगे सारी इट का साइज जोड़ा एक होगा, जी उस इट की जी साइज़ है वो थोड़ी बहुत ही जी है वेरिएशन आ जाती सी। दूसरा जी उस इट के ब्रेकेज के चांसिस है, लेकिन इस इट के जी ब्रेकेज है वह 0% है कि इट के जोड़ा कोई शोरा नहीं है। इस इट के जोड़ा आम लोगों के दिमाग से गल आ जाती सी कि ये जी मेरी जी इट जी जी शोरा पकड़ गई, इनू कलर लग गया। इस इट के कोई जोड़ा पानी है बड़ा लिमिटेड मात्रा के पाया जाता, मिट्टी को प्रॉपर गुण दिता जाता है, इस करके ये एक तो शोरे की प्रॉब्लम नहीं, दूसरा इक्वल साइज होने करके जी खपत है वह दूजी इट नालों 5-10% जी घट होएगी। तीसरा इनू लगाने लई जिहड़ा सीमेंट और रेता की बहुत वड्डी बचत है। तीसरा इस इट नूं तुसीं प्लस्तर करो जां ना करो, तुसीं इनू पेंट करो जां ना करो, ये उस तरह ही देखण नूं बहुत फेस वर्क वाली इट है, उस तरह ही देखण नूं बहुत सुंदर लगती है। ये जिहड़ी इट दा नाम है इनू असीं इक नवां नाम कहीए तो रीसेंटली साडी जिहड़ी इट है डबल कलर च बन रही है वाइट और रैड दे विच, असीं वी इहनूं नवां नाम नहीं दे सके। ये साडी काफ़ी जिहड़ी है श्रीनगर जा रही है तो उत्थों दे लोकां नहीं, क्यों जिहड़े उत्थे लोक घर बना रहे हैं वो घरां नूं ना दे वो पेंट करते हैं ना वो प्लस्तर करते, उन्होंने यदा इट रखता डबल डाई, डबल नाइन डाई मीनस रैड और वाइट, वो ये जी डिजाइनिंग कर देंगे है और उन्होंने यदा ना डबल डाई इट रख दिता और दो तरह की दूसरी जी असी थ्री होल जी है ये थ्री होल ब्रिक्स इनू कहने कि ताकि जो थ्री होल वो किए जाते हैं कि ताकि इट के जोड़े होल है वो सीमेंट जाके इट की जी पकड़ है पूरी मजबूत हो जाए। जिहड़ी मशीन देखो ये कोई तकनीक कोई नवी तकनीक नहीं, बहुत पुरानी तकनीक, अगर असी फॉरन के चले जाइए तो यूरोप के USA वगैरह चाइना तो बहुत 100 साल पुरानी तकनीक चल रही है, लेकिन साड़ी इंडिया दे विच इहदी जिहड़ी वाइबिलिटी है लियांदा खर्च उन्नू चलाने वाले आदमी मिलने इन्ने ईजीली अवेलेबल नहीं सके, इहदे लई असी अपना बड़ा 2 साल तो असी लगे हुए हैं कि ताकि इहनू किसे तरीके दे नाल कामयाब करिए। तो अज असी फकर दे नाल ये कह सकते हैं कि असी इस बाहरों बंदे लिया के बाहरों टकनीक लिया के असी इस तकनीक नूं जिहड़ा सक्सैसफुल मॉडल जिहड़ा आ उह असी कर दिंदे नहीं, लोग बिल्कुल बड़ा दिलों सानूं सपोर्ट मिल रही है, बहुत लोग इनू जिहड़े लोग समझदे आ जिहड़े लोग इनू यूज़ कर चुके आ उह लोग डिमांड जिहड़ी है सानूं एडवांस पेमेंट लई कह रहे हैं कि तुसीं जिन्नी इट बनाओगे असी सारी इट तुहाडी लैण नूं तैयार हैं। इस करके कि उहनां नूं इस गल की समझ आ गई हुई है कि जिहड़ी तकनीक है कोई नवीं तकनीक नहीं, तकनीक पुरानी है लेकिन साढ़े इलाके दे विच नवीं आई है। इस करके जिहड़े लोग नैट सेवी हैगे आ जदों नैट ते जाके देखदे आ उन्हां नूं पता लग जांदा कि कोई तकनीक तां नवीं नहीं ये तां सक्सैसफुल है, इस करके वो फिर इहनू एक्सैप्ट करन नूं और जदों यूज़ करदे आ ते फिर वो यूज़ करके उन्हां नूं इहदा फायदा जिहड़ा नज़र आ जांदा है। नहीं देखो गल ये है कि जिंदगी जिहड़ी है तुहाडी क्रिएटिव है कि तुसी कुछ नवा करन दी चाह रखोगे तो तुसी कुछ नवा नवा करदे रहोगे। मैनू तुहाडे वर्गे सज्जना दे कोल बाहर जाण दा जदों मौका मिलदा उत्थों जाके जदों देखीदा है कि बाहर ये टैक्नोलॉजी जिहड़ी है चल रही है तो अपने आप नूं फकर हुंदा कि यार जिहड़ी टैक्नोलॉजी है असी अपने इस इलाके दे विच लै के जाइए ताकि इत्थे उस लोके इलाके दे लोकां नूं भी इत्थे रह के महसूस होवे कि इट अगर मैं दसूआ 'च रह रहा तो मैनू अगर इट चाहीदी है तो मैनू गुजरात तो नहीं मंगवा की लड़ मैनू ईजीली दसूए चिट अवेलेबल मिलेगी जी जी कार्टेज है मेरी सारी बचत हो जाएगी और मैनू बड़ी लो कॉस्ट के उत्ते इट जी है
मिलेगी। असी लो कॉस्ट के उत्ते अजे तक जिहड़ी है कि जिनी साड़ी अपनी कॉस्टिंग उस तो भी घट कॉस्टिंग के उत्ते कोई सक्सैसफुल करन लई तुहानू पहले जिहड़ी है कि लोगों नू समझाना पैंदा है कि भाई ये जिहड़ी चीज़ नवीं चीज़ है लोगों लई एक्सेप्टेंस नहीं हुंदी एक्सेप्टेंस कराने लई, लेकिन अपनी कोशिश है फिर भी उस तो बाद सक्सैसफुल होने तो बाद भी फिर भी अपने इलाके के लोगों नू बड़ी रीजनेबल प्राइस के उत्ते ये प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि जिहड़ा साडा इलाका है बड़ा एक मीडियम एरिया है, इत्थे दे लोकां नूं असीं लो कॉस्ट दे उत्ते ही इट जिहड़ी है प्रोवाइड करदे रहांगे।